हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया हूँ, भारतीय एयरटेल शेयर लेटेस्ट न्यूज स्टॉक के बारे में। पिछले हफ्ते हमने देखा था भारतीय एयरटेल में थोड़ा बहुत मोमेंटम आया था, लेकिन ड्यू टू मार्केट फॉल, ये कह सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर में मेजर गिरावट हुई थी। भारतीय एयरटेल करीबन 675 के बॉटम तक आया था, वोडाफोन करीबन 9.4 रुपीज तक आया था। और आज हमने देखा ओपनिंग में भारतीय एयरटेल में विद इन फर्स्ट हाफ एन आवर कह सकते हैं भारतीय एयरटेल में काफी अच्छा मोमेंटम आया। करीबन सेवन कह सकते हैं इंट्राडे जो हाई था इसका करीबन 715 के आसपास गया था, और उस शायद उस कह सकते हैं अगर मोमेंटम कंटिन्यू होता तो शायद उसके ऊपर भी ये स्टॉक जाता। लेकिन आज ओवरऑल अगर हम देखें तो टेलीकॉम सेक्टर का दिन था। आज मार्केट में फिर से एक बार रिबाउंस हुआ है, और कल ही मैंने क्यूएनए सेशन में कहा था कि आज एक्सपेक्टेड है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो सकता है। 17,800 का जो निफ्टी का लेवल था वो बहुत वॉल्यूम के साथ अच्छे से क्रॉस किया निफ्टी ने, और जिसके चलते अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो है 18,200 का। कल यानी कह सकते हैं 2 नवंबर को भारतीय एयरटेल का Q2 के रिजल्ट हम देखेंगे, जिसके चलते हुए आज ये इस वीडियो में आज पर्टिकुलर स्टॉक पे मैं फिर से एक बार वीडियो बना रहा हूँ कि Q2 के रिजल्ट जो है, एस्टिमेट जो आए हैं वो डिसेंट इनफ आए हैं। साथ ही में अब टेलीकॉम सेक्टर में जो मेजर कह सकते हैं क्राइसिस था वो रिलीफ पैकेज में कह सकते हैं दूर हो चुका है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट का जो सेटबैक आया था रिसेंटली भारतीय एयरटेल को के जीएसटी का रिफंड मांगने के लिए, उसका जो कह सकते हैं सॉल्यूशन निकाला है भारतीय एयरटेल में, वो भी इस वीडियो में देखेंगे। तो ओवरऑल अगर देखिए तो टेलीकॉम सेक्टर में एक एक लौता ऐसा एक स्टॉक है भारतीय एयरटेल, जो जिसे आप कह सकते हैं जिसके पास लिक्विडिटी ज्यादा है, कैश फ्लो ज्यादा है, साथ ही में जिसके फंडामेंटल्स एज कम्पेयर टू वोडाफोन एज कम्पेयर टू टीटीएमएल काफी स्ट्रॉन्ग है। तो भारतीय एयरटेल के Q2 के नंबर्स कैसे आएंगे वो इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही में टाइम कह सकते हैं जो 923 करोड़ का जो उनका जीएसटी का सोल्यूशन है वो क्या निकाला है भारतीय एयरटेल ने, वो भी हम देखेंगे रिफंड का, और साथ ही में फंडामेंटल टेक्निकल पार्ट भी देखेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में नए सब्सक्राइबर्स को अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड ऑथराइज पर्सन हूँ सिंस 2007, एसोसिएटेड विद वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रोकिंग फर्म्स इन इंडिया, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, म्यूचुअल फंड मैनेजर, एसआईपी मैनेजर, एडवाइजरी प्रोडक्ट से काफी सारे हमारे कंपनी, और हमारी कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स के लिए। वीडियो की शुरुआत में वीडियो का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। दिस वीडियो विल सी द लेटेस्ट न्यूज ऑफ भारतीय एयरटेल लिमिटेड, विल सी द रिटर्न्स परसेंटेज ऑफ द स्टॉक, म्यूचुअल फंड डेटा देखेंगे सितंबर मंथ का, लेवल्स और एसएमए लेवल्स देखेंगे, प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा देखेंगे, साथ ही में चार्ट पैटर्न भी देखेंगे स्टॉक का। वीडियो की शुरुआत में क्यूएनए सेशन का आप सभी को फिर से एक बार रिमाइंड देना चाहूंगा। इस आने वाले संडे यानी 7 नवंबर को फिर से दोपहर को 3 बजे हम क्यूएनए सेशन में ज्वाइन होंगे, जहां पे एवरी संडे दोपहर को 3 बजे यूट्यूब लाइव में 45 मिनट्स का सेशन में कंटिन्यू करता हूं, जिससे आपके जितने भी क्वेश्चंस है स्टॉक्स के रिलेटेड, क्वेरीज है, आप अपने अपने पोर्टफोलियो के रिलेटेड आप मुझे पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके सभी के क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन रह जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को टाइप करके रख दीजिए, जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिल जाएंगे। एडवाइजरी स्कीम के बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा, जो रिसेंटली हमने लॉन्च की थी फॉर एक्सटर्नल क्लाइंट्स, जिन क्लाइंट्स का अकाउंट हमारी कंपनी में नहीं है उनके लिए स्पेशली एक एडवाइजरी स्कीम लॉन्च की थी। 30 डेज, 90 डेज दोनों तरीके मॉडल है। दोनों मॉडल में पूरे महीने में 15 से 20 कॉल ऐसे दिए जाएंगे जो आप इंट्राडे बेस, डिलीवरी बेस, साथ ही में एफएनओ बेस काम कर पाएंगे। अगर आप इंट्राडे बेसिस पे काम कर रहे हैं, कैश इक्विटी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो एज पर ट्रेडिंग लिमिट्स पोजिशन को क्रिएट कीजिए, ताकि अगर बाई चांस बीटीएसटी करना पड़े या डिलीवरी के लिए भी होल्ड करना पड़े तो आप होल्ड कर पाए। और अगर आप एफएनओ सेगमेंट में काम कर रहे हैं, एंट्री एग्जिट लेवल एक्यूरेट रखिए, जितना हो सके जितना आप एंट्री एग्जिट लेवल एक्यूरेट रखेंगे उतना ही रिजल्ट कंसिस्टेंट होगा। अग्रेसिव ट्रेडर है, 5 से 6 लॉट में काम कर रहे हैं पर कॉल कह सकते हैं यहाँ पे, तो एज पर टारगेट्स के पहले थोड़ा एग्जिट कीजिए, ताकि एज पर कह सकते हैं पोजिशन से आपकी लाइटन रहे, पोजिशन स्टक ना हो। और अगर आप 5 से 6 लॉट में काम नहीं कर रहे हैं, अगर डिफेंसिव प्लेयर है 1-2 लॉट में ही काम कर रहे हैं पर्टिकुलर कॉल पे, तो जितना हो सके यहाँ पे अपने कह सकते हैं एज पर टारगेट्स को एग्जिट कीजिए। तो स्कीम का जल्दी से जल्दी फायदा लीजिए, इन चीजों का ध्यान रखिए जिन चीजों का मैंने पॉइंट आउट किया है यहाँ पे इस समय, और उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को और भी प्रॉफिटेबल बनाइए। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले अगर हम देखें तो आज सुबह ही हेडलाइंस आ जाता है, टेलीकॉम स्टॉक्स इन फोकस, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया गेन अप 7%। और ये जो रैली था वो स्पेशली जियो की वजह से आया था, क्योंकि रिलायंस जियो ने अभी अनाउंस किया कि उनका जो स्मार्टफोन है 6,900 के आसपास का वो दिवाली में लॉन्च होगा, जिसके चलते रिलायंस में एक मोमेंटम देखा। साथ ही वो मोमेंटम टेलीकॉम सेक्टर में भी कह सकते हैं एक सेक्टोरियल शिफ्ट हुआ था काफी दिनों के बाद यहाँ पे आज टेलीकॉम सेक्टर में, जिसके चलते भारतीय एयरटेल, वोडाफोन ये सभी में अच्छा खासा गेन देखा गया। लेकिन मेन जो प्रोस्पेक्टिव था वो यह था कि
जो जीएसटी का उन्होंने रिफंड मांगा था सुप्रीम कोर्ट में, वो रिजेक्ट हुआ था रिसेंटली भारतीय एयरटेल का, तो उसका सॉल्यूशन ये निकाला कि विद रेफरेंस टू द न्यूज रिपोर्ट्स ऑन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रिगार्डिंग रिफंड ऑफ एक्सेस जीएसटी पेड बाय भारतीय एयरटेल, द कंपनी हैज क्लेरिफाइड दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज मेंटेन दैट द कंपनी हैज द फ्रीडम टू अवेल द अमाउंट ऑफ 923 करोड़ एज इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द सब्सिक्वेंट रिटर्न्स विच द कंपनी हैज ड्यूली डन। यानी 923 करोड़ का उनको इनपुट टैक्स रिटर्न के हिसाब से यहाँ पे वो क्या कह सकते हैं वैलिडेट कर सकते हैं वो अमाउंट, जिसके चलते यहाँ पे उनको जो सेटबैक लगा था वो क्या आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे सॉल्यूशन उस चीज का निकल गया है। तो पिछले हफ्ते हमने देखा जब ये डिसीजन आया था तब भारतीय एयरटेल में एक नेगेटिविटी आई थी, लेकिन ये सॉल्यूशन निकलने के बाद आदि स्टॉक में पॉजिटिविटी फिर से एक बार हमने देखा है। साथ ही में भारतीय एयरटेल के अगर Q2 के प्रोस्पेक्टिव की बात करें, Q2 के रिजल्ट्स के प्रिव्यू की बात करें यहाँ पे, तो जेफरीज जो रेटिंग एजेंसीज है उन्होंने यहाँ पे कह सकते हैं रेवेन्यू जो है वो टेलीकॉम रिलायंस जियो एंड भारती में पोस्ट अ 5 to 7 सिक्वेंशियल राइज इन द रेवेन्यू विद स्टेडी मार्जिन फॉर द सेकेंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2022 अकॉर्डिंग टू जेफरीज। ये जेफरीज एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज है जो काफी सारे कह सकते हैं स्टॉक्स में एज पर देयर परफॉर्मेंस उनको रेट करती है, उनका एस्टिमेट देती है, उनका प्रीव्यू देती है, और जिसके चलते यहाँ पे भारतीय रेल का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस करीबन 7 to 8% का ग्रोथ देखा गया है। भारतीय रेल ग्रोथ विल बी लेड बाय सेगमेंटेड ट्राफिक हाइक्स, टैरिफ हाइक्स टेकन इन द सेकेंड क्वार्टर एंडेड सेप्टेम्बर, वाइल जियोस ग्रोथ विल बी ड्रिवन बाय कंटिन्यूड सब्सक्राइबर ग्रोथ इट फर्दर सेट। तो टैरिफ हाइक की वजह से यहाँ पे क्लियर कट है कि भारतीय एयरटेल का जो रेवेन्यू वो ग्रोथ देखा गया है। एलैबोरेटिंग ऑन भारती जेफरीज सेड दैट एक्सपेक्ट द इंडियन मोबाइल रेवेन्यूज टू ग्रो बाय एन एस्टिमेट 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 2022, लेड बाय 7% ग्रोथ इन ARPU एट ₹157 ऑन द बैक ऑफ टैरिफ हाइक्स इन द प्रीपेड वॉइस एंड द कॉर्पोरेट पोस्टपेड सेगमेंट्स दैट वाज इफेक्टिव फ्रॉम ऑगस्ट। तो करीबन कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 7% का ग्रोथ देखा गया है, लेकिन ये प्योरली बेस्ड ऑन टैरिफ हाइक है। इट्स लाइक अफ्रीका रेवेन्यू आर सीन अप 3% सिक्वेंशियली इन डॉलर टर्म्स। द की फोकस एरियाज फॉर भारतीय एयरटेल रिजल्ट्स विल बी ARPUs, द टाइमिंग ऑफ द फर्दर टैरिफ हाइक एंड द केपेक्स आउटले। जेफरीज रिपोर्ट फर्दर सेड द रिलायंस जियो मे रिपोर्ट अ 4.7% रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इट इज एक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर एडिशंस लेड बाय द मोबाइल सेगमेंट ड्यू टू जियो फोन। हाउएवर ARPUs आर लाइकली टू राइज बाय द मॉडेस्ट 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू ₹140 ड्यू टू एक्स्ट्रा इन टी 2Q, जेफरीज रिपोर्ट सेड एडिंग फर्दर डिटेल्स ऑन द जियो फोन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो पे मेरा फोकस ज्यादा करके भारतीय एयरटेल पे है, क्योंकि भारतीय एयरटेल के जो रिजल्ट्स आएंगे कल के दिन पे वो इस समय मुझे लग रहा है एज कम्पेयर टू Q1 काफी अच्छे होंगे, और एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर Q2 और भी बेहतर होंगे, क्योंकि इस समय भारतीय एयरटेल का जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है। साथ ही में राइट्स इश्यू में करीबन कह सकते हैं बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है भारती का, जिसने अभी किस रिसेंटली जो राइट इश्यू ओपन हुआ था और अभी क्लोज भी हो चुका है। तो ये सब मोमेंटम की वजह से भारतीय एयरटेल का जो पॉजिटिव रिटर्न है कह सकते हैं यहाँ पे जो पॉजिटिव Q2 के रिजल्ट्स आएंगे उसके चलते मैं आज के दिन पे ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर कल के ओपनिंग में आपको भारतीय एयरटेल करीबन 705 और 715 के रेंज में मिल जाता है, ये ₹10 के गैप में मिल जाता है, तो पोजीशंस बनाइए एज पर योर ट्रेडिंग लिमिट। और अगर लगता है कि रिजल्ट्स क्वार्टर जैसे कि मार्केट आवर्स में रिजल्ट्स आ गए और मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है जो होगा ही लॉजिकली, तो प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर निकल जाइए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर है तो 750 का पहला रेजिस्टेंस होगा, सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 825 का। एडवांस चार्ट पैटर्न अगर हम देखें तो पिछले 5 दिनों का तो बॉटम था 678 का और हाईएस्ट पॉइंट आज हमने देखा 720 के आसपास। पिछले कह सकते हैं 1 महीने का बॉटम देखे तो 668 का था, हाईएस्ट पॉइंट आज 720 का है, और अगर 3 महीने का हाईएस्ट पॉइंट देखे तो करीबन 750 के आसपास का था, लोएस्ट पॉइंट था 559 और इस समय 715 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया है। प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा देखे तो 1 करोड़ का आज के दिन पे करीबन 12 बजे तक ही ट्रेडिंग वॉल्यूम हो चुका था, जबकि पूरे महीने में 1 करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम है एवरेज, और उसका डिलीवरी क्वांटिटी है करीबन 58 लाख का। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स के पास 55.86% है, FIIs के पास 19.87, पब्लिक होल्डिंग्स है यहाँ पे 5.08 और DIIs के पास है 19.5। तो FIIs का भी अच्छा खासा होल्डिंग है भारतीय एयरटेल में। 715 का रेट करीबन दोपहर को 12 बजे तक चल रहा था, मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है स्टॉक का। म्यूचुअल फंड डेटा देखिए सितंबर मंथ का तो क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है, लेकिन जब अक्टूबर मंथ का डेटा आएगा आने वाले 2 से 3 दिनों में, उसमें हम देखेंगे कि अक्टूबर में अच्छा खासा भारतीय एयरटेल में बाइंग हुआ है।
सितंबर मंथ का अगर डेटा देखें तो यहाँ पे 47 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैव बॉट, 182 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैव सोल्ड विद अ डिफरेंस ऑफ करीबन 7 करोड़ 45 लाख 38,201 शेयर्स। तो करीबन 7 करोड़ 45 लाख शेयर्स यहाँ पे सेल हुए हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम 47 म्यूचुअल फंड कंपनीज बाइंग एंड 182 म्यूचुअल फंड कंपनीज सेलिंग। रिटर्न्स परसेंटेज टेलीकॉम सेक्टर का शायद ही कोई ऐसा स्टॉक होगा अपार्ट फ्रॉम कह सकते हैं टीटीएम है जिसने सभी ड्यूरेशन में अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न पॉजिटिव दिया है। एक हफ्ते में 3% का रिटर्न, 1 महीने में 3%, 3 महीने में 26, 6 महीने में 32% का रिटर्न, 1 साल में 58% का ग्रोथ, 3 साल में 140% का ग्रोथ, 5 साल में 124% और 10 साल में 82% का ग्रोथ। अगर हम लेवल्स देख ले तो RSI 47.9 है, MFI 43.9, यानी दोनों इस समय ओवरसोल्ड तो नहीं कह सकते लेकिन न्यूट्रल जोन से नीचे है। यहाँ पे SMA लेवल 699 है, 30 डे SMA, 50 डे SMA 681, तो इस समय ये 30 डे SMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है क्योंकि आज का क्लोजिंग अगर देखें तो 710 के आसपास का इसका क्लोजिंग है। तो बेस्ड ऑन क्वार्टर टू जो कल आएगा रिजल्ट्स इसके भारतीय एयरटेल के, उसके बेसिस पे मैंने आज का वीडियो बनाया था। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर कुछ कमेंट्स करना है, कुछ और जानना है स्टॉक के बारे में, किसी और स्टॉक के बारे में जानना है तो कमेंट्स में टाइप कीजिए, जितनी जल्दी हो सके उस कमेंट्स को फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्लैश हो रहा है, साथ ही में मेरे वेबसाइट का नाम फ्लैश हो रहा है। अगर आपको इक्विटी में, कमोडिटीज में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग लेना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए कोई कंसल्टेशन कोचिंग की जरूरत है, वेबसाइट पर लॉग इन कीजिए, कंसल्टेशन कोचिंग बुक कीजिए, एग्जैक्टली आपको आपके हर एक प्रॉब्लम का उस कंसल्टेशन कोचिंग में सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।